अम्मी अम्मी क्यों बुला रही हो मुझे? मैं डॉक्टर चाहत हूँ, अम्मी वम्मी नहीं हूँ कोई। मेरी छोटी नहीं बना रही है, आप मेरी छोटी बना दीजिए। ठीक है, पहले नाश्ता बना दूं, फिर छोटी बना दूंगा। ठीक है, मैं आपका ऊपर वेट करती हूँ। डॉक्टर चाहत, आप जरा मेरे रास्ते से साइड हटेंगी? खुद एटीट्यूड दिखा रही हो और खुद रो रही हो तुम। नील, अब क्या मैं हमेशा के लिए अपने बच्चे के लिए डॉक्टर चाहत तो नहीं बन जाऊंगी ना? इम्पॉसिबल। अच्छा चाहत, तुमने अभी तक बताया नहीं मुझे कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, या मैं भी तुम्हें डॉक्टर चाहत बुलाने लग जाऊं? आप तो मेरा नाम नहीं बदल लीजिए, आप मुझे डॉक्टर मैडम बुलाइए। नील, आप एक काम करिए प्लीज, दुआ को ब्रेकफास्ट दे दीजिए और उसकी चोटी भी बना देना। ओके डॉक्टर मैडम। अरे रुको, ये लो, बन गए बाल। चोटी? क्या चोटी? चोटी नहीं बना रहे यार, चोटी में तो महंगी लगोगी। नहीं, खुले बालों में स्नो वाइट की सौतेली माँ, जब बनाइए चोटी। अरे क्या हुआ? अबू, हाँ? आपको पता है मेरी एक गुड़िया के बाल निकल गए थे, फिर मुझे स्केच पेन से उसका टकला कालाम करना पड़ा। आपका बस चले तो मुझे भी अपने टकले पे स्केच पेन घुमाना पड़ेगा। आप बस पोनीटेल बना दीजिए। ये तो पहले नहीं बोल सकती थी, रुको। ऐसे पकड़ा और ये हो गई पोनी तैयार। टडा। जोर की हवा चली और नारियल का पेड़ एक जगह जाके झुक गया। ये अच्छी तो बनी है। ठीक है, मैं सबको कह दूंगी कि ये नारियल का पेड़ मेरा स्टाइल है। चलो जाओ, तुम नाश्ता फिनिश करना है, जाओ नाश्ता खा लेना पूरा। वेल डन मिस्टर नीलकंठ बरदियानी, लेकिन पोनी टेढ़ी थी। माँ बनना बड़ा मुश्किल काम है यार, तुम औरतें इतना सब चीजें कैसे मैनेज कर लेती हो? इतना सैल्यूट है तुम लोगों को कसम से। हाँ हाँ, इतनी अच्छी है कि आज तक मैंने ऐसी पोनी कभी नहीं देखी। आपको भी अच्छी लगी ना? हाँ, बस थोड़ी सी टेढ़ी है। इधर आओ जल्दी, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। ठीक है नवेली,
नवेली तुम दुआ को तैयार करना बंद करो, अभी जाओ खुद तैयार हो जाओ। वो चौबे जी है ना तुम्हारा रिश्ता लगवाने वाले, उन्होंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का देखा है, अभी आने वाले हैं, जाओ। अच्छा चाहत, तुम्हें पहले अलर्ट कर रहा हूं मैं, हो सकता है कि कुछ लोग रिश्ते में अड़ंगा डालें, लेकिन हमें नवेली का हर हाल में रिश्ता तय करना है, ठीक है? हाँ नील। नवेली को तैयार होने में उसकी हेल्प करो, जाओ। हाँ नील। नवेली चलो आओ चलते हैं, चलो मैं सामान लेकर आती हूँ। जब भूपेंद्र से बात ही नहीं होगी तो पता कैसे लगेगा मुझे कि उसके मन में मेरे लिए कुछ है भी या नहीं। तो चले मैडम, लड़के वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। नवेली तुम ठीक हो ना? पता नहीं चाहत, कई बार सच कुछ और होता है और हम समझ कुछ और लेते हैं। इसका मतलब मेरा शक सही था, तुम बोपू भैया की बात कर रही हो ना? शायद मैंने ही कुछ ज्यादा सोच लिया। एनीवेज चाहत, चलते हैं, चलो। नमस्ते। नमस्ते। अब देखिए बुनियाल जी, आपसे कुछ छुपा हुआ तो है भी नहीं। वैसे भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नवेली का अभी जस्ट रिसेंट में तलाक हुआ है, और हमें ये बात भी पता है कि अविनाश भी तलाकशुदा है। अगर इन दोनों की जोड़ी मिल जाए तो। गलतियाँ तो हम सबसे होती हैं नीलकंठ जी। हमें तो ये खुशी होगी कि दोनों बच्चों को फिर से जीवन साथी मिल जाए, दोनों एक दूसरे की मदद से गुजरा हुआ कल भूल जाएंगे। गुजरा हुआ कल भूलने दे तो ना। आप लोग सब तो ऐसे चौंक गए जैसे आप लोगों ने भूत देख लिया। अरे इतने दिनों के बाद आए हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा? दुआ, अलकू। हाँ दुआ बेटा, चलो अंदर चलो। सौरा जी,
अभी तक सदमे में है आप। पापा जेल से बाहर कैसे आया तू? मेरी बीमार पत्नी का जज साहब ने मेरे चेहरे पर दुख देख लिया और कुछ घंटों के लिए परोल दे दी। नवेली तेरी पत्नी नहीं है। अरे इसलिए तो कह रहा हूँ भूला, वो बीमार है। नवेली तू मुझे तलाक देगी? देख पहले से आधे दिमाग वाली है, ऊपर से जो आधा बचा है वो भी खराब है। आप लोग भी सोचते होंगे कुछ, एक बीमार लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं, नवेली बिल्कुल ठीक है और नवेली को इसकी फैमिली ने खुद एक्सेप्ट किया है। आप सब प्लीज बैठ जाइए। हाँ हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा तो बात यहां तक पहुंच गई है, फिर तो मेरा वापस चले जाना ही अच्छा है। चलो वाल्डर चलो। बस जाने से पहले एक बार नवेली को अलविदा कह दो। क्या बात छ नवेली, सज धज के अच्छी लग रही है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। अरे वाह अरे वाह भाई वाह, ये जीन के खाने से तो थक गए। समोसा और मीठी चटनी वाह, क्या बात है नवेली। और तुम बताओ, ले लो खाओ खाओ। समोसे ले लो आओ। वाह वाह कैसे बना लेती हो नवेली इतने अच्छे समोसे। वाह आलेख जी चले जाइए यहां से। चले जाइए, तुम्हारे परिवार को तो जानता हूं मैं। डब्बों की फैक्ट्री है ना आपकी बुनियाल बस्ती में, मैं देख सकता हूं नवेली और ये दोनों बड़े खुश रहेंगे एक साथ। जब तुम फैक्ट्री के लिए सवेरे निकलोगे ना, तब नवेली तुम्हें एक बड़ा सा डिब्बा देगी पैक करके, फिर आप उस डब्बे को लेकर फैक्ट्री की तरफ जाओगे। तब एक बड़ा सा टेम्पो आएगा और ये टेम्पो आया 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 बूम। सीधे खाई में सब दिखाई दे रहा है मुझे। लगता है खाई से गिरकर मरने की बड़ी इच्छा तेरी, गिरा दूं? आतटा काफी समय के लिए अंदर गया हूं मैं, तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगा तो कुछ महीने और सही। और नवेली तो जेल के अंदर रहकर भी मैं क्या कर सकता हूं उसका अंदाजा नहीं है तुझे। हाँ डर गए हम लोग, डर गए तेरी धमकियों से। हाँ चल निकालो उसको यहां से चलो। ए, नवेली और भाई साहब टेम्पो बूम बूम बूम। ये सब देखने के बाद ना मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए। अरे आप कहाँ उसकी बातों में आ रहे हैं आप। नीलकंठ जी माफ करिए, हमारा एक ही बेटा है और एक शादी के लिए हम उसकी जान का खतरा नहीं ले सकते हैं। चलिए जी। देखिए सुनिए मेरी बात, आप घबराइए मत, ये तो मेरी फैमिली जैसा हो गया ना, इसकी रक्षा मैं करूंगा, कुछ नहीं होगा इसको। जहाँ रक्षा करने की बात है फिर वहाँ रिश्ता ही क्यों जोड़ना। हमें माफ कीजिए, चलिए पापा। अरे पर अरे सुनिए आप,
चौबे जी, आप इन लोगों को रिश्ता पक्का करने के लिए लेकर आए थे, बनाइए ना इन लोगों को। आलेख जी का ये रूप देखकर मैं क्या बोलूं बेटा, चलता हूं। अरे मैं जानती थी आज नहीं तो कल ऐसा होना ही है। वो आदमी तुझे किसी और का होने ही नहीं देगा। तलाक ले लिया है ना तूने, तो बैठी रह घर पे कुंवारी, हम सबकी छाती पर बोझ बनके। मैं करूंगा नवीली जी से शादी। नवेली जी, मैं आपसे इतना वादा कर सकता हूं कि मैं आपको जिंदगी भर तक खुश रखूंगा। नवेली जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? नेकी और पूछ पूछ, इसका मतलब नवेली तुम्हारा ससुराल यहां से दो गली दूर होगा। फिर तो मैं रोज आपकी बेकरी से ना फ्री की पेस्ट्री खाऊंगी और नवेली में तुमसे मिलने भी आऊंगी। मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। भोपू नवेली से कैसे शादी कर सकता है? क्यों नहीं कर सकते? आपने देखा ना, जो लड़का चौबे जी लाए थे वो तो आलिक जी के डर से भागकर चले गया। और बोपू भैया, नील बोपू भैया तो आलिक जी को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं, उसके बावजूद भी वो नवेली का साथ देने की हिम्मत दिखा रहे हैं। जब बेकरी से चार पैसे भी ना आएंगे तो हिम्मत को रोटी समझ के खाएगी नवेली? नवेली का रिश्ता किसी अच्छे घर में होगा जहां उसे किसी चीज की कमी ना हो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि भूपिंदर मुझे कभी किसी चीज की कमी होने देगा। भोपू यार, बुरा मत मानना, तू मेरे बचपन का दोस्त है और तुझसे बेहतर इस बात को कौन समझ पाएगा कि मेरी पहली बहन की शादी उस राक्षस के साथ होने से मैं रोक नहीं पाया था। अगर मेरी दूसरी बहन भी खुश रह नहीं पाएगी तो मैं टूट जाऊंगा यार। और मैं जहां तक सालों से नवेली को जानता हुआ आया हूं, नवेली को महंगे कपड़े पहनने का, गाड़ी में घूमने का, एक मॉडर्न लाइफ जीने का बड़ा शौक है। ये सब तू कैसे दे पाएगा भोपू? वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी यार। नहीं नील भैजी, वक्त के साथ मैं अपने शौक भी बदल चुकी हूं। अब बस मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो हर सुख दुख में मेरा साथ दे, अपना हर सुख दुख मैं उसके साथ बांट सकूं, और कुछ नहीं। और पैसों का क्या है? ये बात तो हम सब जानते हैं कि आलिक जी की कितनी बड़ी फैक्ट्री थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन क्या कभी नवेली उनके साथ खुश रह पाई? नहीं ना। चाहत, इस फैसले में तुम्हारे साथ नहीं हूं मैं। नवेली की शादी किसी बड़े घर में होगी, मतलब होगी। सॉरी यार नील, लेकिन देख भूपिंदर, मेरी बेटी से शादी के सपने देखना छोड़ दे। और फिर इंसान को पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी उसके पास चादर हो।
और तुम लोग तो इतने भूखे नंगे हो, ये मुझे नहीं लगता है कि तुम लोगों के पास चादर भी होगी पैर पसारने के लिए। माँ, बबू भैया नवेली, आप दोनों को किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और बबू भैया, आप प्लीज मामी की बातों का बुरा मत मानिए। आप तो जानते हैं ना, मामी की पुरानी आदतें ताने देना कभी उनकी तबीयत ठीक रहती है। और रही नील की बात, तो उन्हें मनाने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन आप दोनों की शादी तो मैं करवा के रहूंगी।